Good morning, everyone. Continuing with our next point, that is techniques of evaluation and assessment. Business unit various techniques use karti hai, jaise management information system, management audit, performance appraisal, budgetary control, etc. Evaluate karne ke liye jo bhi organizational or environmental changes ho rahe hain. Ye help karta hai usse ki wo appropriate strategies frame कर पाए और जो भी की इश्यूज हैं चैलेंजेस हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट से उसे मिल रहे हैं उसको वो आंसर कर पाए. नेक्स्ट है इसके अलावा जो अदर टेक्निक्स अवेलेबल हैं दैट इज स्वॉट या स्वॉप एनालिसिस जिसे हम कहते हैं. स्वॉट या स्वॉप का फुल फॉर्म क्या है? एस का मतलब है स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेसेस, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज और टी या सी का मतलब है थ्रेट्स और चैलेंजेस. हमने जब चैप्टर शुरू किया था तभी हमने ये बात की थी कि ये पूरा चैप्टर बेस्ड है इन चार चीज़ों के ऊपर, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और चैलेंजेस. जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं ये आपको पता चलती है ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग से, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस से, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स या चैलेंजेस हैं ये आपको पता चलते हैं आपके एनवायरमेंटल स्कैनिंग से. तो अगर आपको अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट को समझना है तो आपको इसी चीज़ को जो स्वॉट या स्वॉक है उसको समझना पड़ेगा. देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ई टॉप एनालिसिस. ई टॉप फुल फॉर्म क्या है? ई टॉप में ई का मतलब है एनवायरमेंटल, टी का मतलब है थ्रेट्स एंड ओ पी का मतलब है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस. तो ई टॉप को हम कहते हैं एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस. मतलब इसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं. वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर जो बिजनेस यूनिट को इफेक्ट करेंगे उसे हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं और उससे जो भी बिजनेस एनवायरमेंट आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है या थ्रेट्स प्रेजेंट कर रहा है उसका आपको पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग आप जो स्ट्रैटेजी है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग. कोई भी जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो सेम नहीं होती, दोनों को डिफरेंट कंपोनेंट्स इफेक्ट करते हैं, या अगर सेम कंपोनेंट्स भी इफेक्ट करते हैं तो दोनों को वो सेम कंपोनेंट्स डिफरेंट तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं. तो वेरियस फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग को. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पर्सनल एबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजिस्ट. जो पर्सन है जो इन्वॉल्व है एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने में उसकी एबिलिटी डिफरेंट है, एक्सपीरियंस, जजमेंट, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, एजुकेशन लेवल, एज, सोशो कल्चरल वैल्यूज सब डिफरेंट होती है. तो वो जो एनालाइज करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो भी डिफरेंट हो सकती है. सेम सिचुएशन को एक पर्सन पेसिमिस्टिक नज़र से देख सकता है और दूसरा सिचुएशन उसी को ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से देख सकता है. एक पर्सन जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसे अपॉर्चुनिटी समझ सकता है और सेम पर्सन सेम चीज़ को थ्रेट भी समझ सकता है. तो जो पर्सनल एबिलिटी है स्ट्रेटजिस्ट की वो इफेक्ट करती है एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग को. नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंटल, जो इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं. तो जो इंटरनल एनवायरमेंट है डिफरेंट बिजनेस का वो डिफरेंट होता है. एक यूनिट के पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, लार्ज मार्केट साइज, गुड ब्रांड इमेज, कॉर्पोरेट इमेज हो सकती है. और एक जो चेंज हो रहा एनवायरमेंट में वो ऑफर कर सकता है उसे अपॉर्चुनिटी, जबकि सेम एनवायरमेंटल चेंज पोज कर सकता है उसकी थ्रेट दूसरे बिजनेस के लिए, जो जिसमें फाइनेंशियल क्रंच है, लेबर प्रॉब्लम है या स्ट्राइक चल रही है, कुछ इस तरीके के अगर उसमें इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर. जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है बिजनेस यूनिट का वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इंटरडिपेंडेंट भी हैं. ये चीज़ हम अपने फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं कि जो भी आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वेरियस फैक्टर्स हैं एक का इफेक्ट बाकी सभी फैक्टर्स पर पड़ता है और वो इंटरवूवन है, कॉम्प्लेक्स है, आप उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है. तो वो चीज़ भी इफेक्ट करती है. तो जो स्कैनिंग है एनवायरमेंट की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, उसमें इन डेप्थ एनालिसिस आपको चाहिए और उसके लिए आप वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो टूल्स वो यूज कर सकते हैं ताकि आपको रिलायबल रिजल्ट्स मिले एनवायरमेंटल स्कैनिंग से. देन है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्वॉट स्वॉक एज अ टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. स्वॉट स्वॉक क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं.
S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेसेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटीज, T और C का मतलब थ्रेट्स और चैलेंजेस। आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को यूज करके जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट से, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसे डील करते हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ्स है तो आप अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से यूज कर सकते हो, अगर आपके पास स्ट्रेंथ्स है तो आप थ्रेट्स और चैलेंजेस को फेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप वीकनेसेस आपकी ज़्यादा हैं तो अपॉर्चुनिटीज बेशक अवेलेबल हो, आप उस वीकनेसेस से अपॉर्चुनिटीज को आप कहे कि फ्रूट उससे आप नहीं निकाल पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज में आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे, और अगर वीकनेसेस हैं तो आप थ्रेट्स और चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश की जानी चाहिए एक बिजनेस के द्वारा कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ्स है वो उसे इंक्रीज कर सके ताकि अपॉर्चुनिटीज से वो फायदा उठा सके और जो थ्रेट्स और चैलेंजेस हैं उनको मीट आउट कर सके, और जो वीकनेसेस हैं उसको कम कर सके, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं मार्केट में उनको अगर उसे लेना है, अगर उस अपॉर्चुनिटी से उसे फायदा लेना है तो उसे अपनी वीकनेसेस को कम करना पड़ेगा, या अपॉर्चुनिटीज अगर अवेलेबल है तो वो अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकती है, और अगर थ्रेट्स और चैलेंजेस है तो उसे अपनी वीकनेसेस को हटाना पड़ेगा तभी वो थ्रेट्स और चैलेंजेस को फेस कर पाएगा। तो जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की रिलेट करती है उसके इंटरनल एनवायरनमेंट से, किस फॉर्म में हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, प्रोडक्शन फैसिलिटीज में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज में। सेम तरीके से ये आपकी वीकनेसेस भी हो सकती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो जो चीज है, जो टास्क है, दैट इज कि आपने बेस्ट यूज करना है अपनी स्ट्रेंथ्स का और आपने अपनी वीकनेसेस को मिनिमम लेवल तक रिड्यूस करना है। देन नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स रिलेट करते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो जो एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन हो सकता है कि बिजनेस यूनिट के पास उतनी स्ट्रेंथ ना हो कि वो उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके, और जबकि दूसरा जो बिजनेस है वो इतना स्ट्रांग है कि वो उस अपॉर्चुनिटीज को जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है उसे अवेल कर सकता है। सेम तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो आपको थ्रेट दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन या किसी और अदर फॉर्म में। तो अगर जो बिजनेस यूनिट है उसके पास अगर स्ट्रेंथ है तो वो उस थ्रेट को फेस कर सकता है, और अगर जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है तो वो उस थ्रेट को फेस नहीं कर पाएगा। तो एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। इंटरनल एनवायरमेंट में आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलती है, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स और चैलेंजेस पता चल सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। देन नेक्स्ट इज योर कंपोनेंट्स क्या है स्वॉट और स्वॉक के। सबसे पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब है कैपेसिटी बिजनेस की, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवांटेज गेन कर सकती है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक जो सुपीरियर रिसर्च फैसिलिटीज अगर आपके पास है या आपके पास डेवलपमेंट स्किल्स हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, जिसे आप यूज कर सकते हो न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जापानीज जो कंपनी है उनकी स्ट्रेंथ है उनकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज। देन वीकनेसेस क्या होती है? वीकनेसेस का मतलब है जो लिमिटेशंस है एक बिजनेस फर्म की, जो उसे डिसएडवांटेज देती है एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। जैसे अगर आप ओवर डिपेंडेंट हो है फर्म एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन पर, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, या लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, या लैक ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो ये एक बिजनेस यूनिट की वीकनेसेस हो सकती हैं। देन नेक्स्ट है आपकी अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब एक फेवरेबल कंडीशन जो ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल हो रही है एनवायरनमेंट में, और एक कंपनी के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, तभी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इसका भी हम ऑलरेडी एग्जांपल कर चुके हैं कि सपोज जैसे अगर गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है कि जो टू व्हीलर ड्राइवर्स हैं उनको जो पर्सन ड्राइव कर रहा है वो भी, और जो उसके पीछे बैठा है जिसे पिलियन राइडर कहते हैं उसके लिए भी जो हेलमेट है वो कंपल्सरी है, तो जो अपॉर्चुनिटी है हेलमेट इंडस्ट्री के लिए ये अवेलेबल है हेलमेट इंडस्ट्री को कि वो अपनी जो सेल्स है उसे इंक्रीज कर सकती है। देन नेक्स्ट थ्रेट और चैलेंज।
थ्रेट और चैलेंज का मतलब है जो अनफेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये रिस्क क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थ्रेट किस फॉर्म में हो सकता है, कंपटीशन बढ़ रहा है या चेंज हुआ है फैशन में, या अनफेवरेबल चेंजेस हुए हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में, या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिस्क क्रिएट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सपोज अगर हम एग्जांपल ही ले लें, एट प्रेजेंट जो पेंडेमिक चल रहा है, कोविड जो चल रहा है, कोविड अपॉर्चुनिटी है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए, कोविड अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनके लिए, लेकिन जो कोविड है वो थ्रेट पोज कर रहा है किसको, जो आपके नॉर्मल जो कंज्यूमर गुड्स की जो आपकी शॉप्स हैं उनको थ्रेट पोज कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए वो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ें अलाउड है, तो ऑनलाइन में जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। तो जो सेम चीज़ है जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है फैक्टर, वो एक बिजनेस के लिए थ्रेट हो सकता है और दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद एनवायरमेंटल थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जो मैनेजमेंट है वो कंसिडर करती है, कौन से वेरियस स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव उसके पास अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी को चूज करती है। तो जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये था हमारा चैप्टर एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग का। इसके साथ ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3, पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।